नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि मैं पटना के वीना सिनेमा हॉल में हूं, जहां दर्शकों को दो हफ्ते का इंतज़ार था क्योंकि सूर्यवंशी लगी हुई थी और बॉस। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सिनेमा हॉल में लगे हुए थे लेकिन पटना के वीना सिनेमा हॉल में नहीं लगी हुई थी। अब इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है और हमारे ठीक पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, पवन सिंह की बॉस मूवी शुक्रवार से यानी कि कल से पटना में लग गई है और इसका आप आनंद उठा सकते हैं। इस अगर पिक्चर की बात कर ले तो पवन सिंह के साथ काजल राघवानी और साथ ही अर्सिया अर्सी लीड रोल में नज़र आ रही हैं। वहीं ये जो बड़े से आप अवतार देख रहे हैं वो महेश मांजेकर हैं, जो बॉलीवुड मूवी में धमाल मचाते हैं, वो अब एक बार पवन सिंह के साथ नज़र आ रहे हैं। यानी कि इस मूवी की चर्चा इसलिए खास है क्योंकि पवन सिंह का जो रोल दिया गया है इस पिक्चर के अंदर वो काफ़ी मारधाड़ और साथ ही एक्शन से भरा हुआ है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो इसमें महेश मांजेकर के आने के बाद से इसका और भी चर्चा हो रहा है क्योंकि अक्सर ही वो बॉलीवुड पिक्चरें करते हैं। आपने वांटेड पिक्चर देखा होगा, वांटेड में किस तरह से उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था और पिक्चर सुपरहिट हुई थी। तो अब अगर भोजपुरी पिक्चरों की बात कर ले तो ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, काजल राघवानी जी नज़र आएंगी, डांस का तड़का भी आपको नज़र आएगा, अर्सिया अर्सी हैं जो पवन सिंह के साथ नज़र आ रही हैं। तो यानी कि तमाम तरह की ये पिक्चरें जो हैं वो कल बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है और कई जगह लगकर हिट भी हो गई है। लेकिन पटना में अगर बात करें जो फैन फॉलोइंग है पवन सिंह जी की, वह भी कल इंतज़ार कर रही है बॉक्स ऑफिस पर लगने की। तो फाइनली लग गई है, तो अब आपको आकर देखना है। टिकटों की रेट जो वही है पहले की तरह है, 500 में चलाए जा रहे हैं और साथ ही अगर आप फर्स्ट शो देखने के अगर आदी हैं तो पहले पहुंचिए और 10 बजे से जो पहला शो लगता है तो आप आकर टिकटें कटाएं और मूवी का आनंद उठाएं। हमारे साथ लगातार बने रहे, कल भी मैं आऊँगा यहाँ पर, रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि पवन सिंह के फैंस को यह मूवी कितनी अच्छी लगी और साथ ही क्या धमाल है और साथ ही नई पिक्चरें जो आने वाली हैं उसका क्या अपडेट है वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। नमस्कार।